YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और 101 इंडिया के सब नए स्टोरीज की अपडेट्स पाओ। चूना पाओ लाइन पे। जे जो पंजाबियों को शौक बोल लो, ब्लड में रचा हुआ है। बने ही भागने के लिए है। इंडिया दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। पर स्टीरियोटाइपिकल राजा महाराजा हाथी और सपेरों के अलावा यहाँ काफी अतरंगी अद्भुत चीजें होती हैं। और मुझे नहीं लगता देसी इंटरनेट पर अतरंगी और अजीब चीजों का मुझसे बड़ा मरीज और कोई भी होगा। चाहे वो चंबल के डाकुओं के साथ खाना खाना हो या फिर रामगढ़ के गौरक्षकों के साथ गश्त लगाना, डॉक्टर वीसी की दुनिया में आपको सब देखने को मिलता है। यानी यहाँ हर मर्ज का इलाज है। पंजाब फारसी के दो लफ्जों से बना है, पंज यानी पांच और आब यानी पानी, यानी वो जगह जहां पांच नदियां बहती हैं। लेकिन अक्सर लोग छठी नदी भूल जाया करते हैं, वो जो पंजाब के नौजवानों के रगों में बहती है, टशन की नदी। वेलकम टू पंजाब। टशन के घर में आपका स्वागत है। घोड़ों की रेसें, गाड़ियों की रेसें और इंसानों की रैट रेस से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन आज हम देखेंगे एक अलग किस्म की रेस, पंजाब में ग्रेहाउंड कुत्तों की रेस। औरों के लिए तो यह सिर्फ एक नस्ल है, पर पंजाब के कुछ मुंडों के लिए यह अपनी टशन को मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका है। मैं पंजाब की वो साइड भी देखना चाहता था जिसके बारे में मैंने वहाँ बचपन और जवानी के कुछ साल बिताने के बावजूद कभी सुना भी नहीं था। कुछ लोगों का मानना है कि यह कुत्तों पर क्रूएल्टी है, पर मैं बिना देखे कोई जजमेंट नहीं बनाना चाहता था। इसके बारे में और पता करने के लिए अपने टूटे हुए कंधे के बावजूद मैंने पंजाब जाने का फैसला किया। पहुंच गया ब्रो, फाइनली। कैसा लगा पंजाब आके? अभी तो पहुंचे हैं यार, बड़ा लाइक द वाइब। जुल्फी एक कुत्ता साथ ले जाएंगे, एक तू ले जाना एक मैं। इस ट्रिप में हम एक्सपीरियंस करेंगे पंजाब थ्रू रेसर डॉग्स आइज। मेरा दोस्त जुल्फी, जो खुद को डायरेक्टर कहलाना पसंद करता है, ने सुखमीत सिंह को ढूंढ निकाला, जिसे प्यार से लोग जुगनू भी बुलाते हैं। जुगनू एक शिकारी कुत्ते का मालिक है और अक्सर मालिक खुद को भी शिकारी कहलाया जाना ही पसंद करते हैं। ये भाई साहब मेन रेस में अपने शिकारी ग्रेहाउंड को भगा रहे हैं, जिसका नाम है कमांडर। इन कुत्तों को इनके साइज के ऊपर जज करना सरासर नाइंसाफी है। ये पतले से दिखने वाले कुत्ते मजबूती से और बड़ी आसानी से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग लेते हैं। कनाडा में रहने वाला जुगनू का भाई पुराना शिकारी है और हंटर ब्रदर्स नामक ग्रुप का फाउंडर है, जो अपने इंपोर्टेड ग्रेहाउंड्स को एक साथ तैयार करते हैं। ये सब शिकारी इकट्ठे होकर अपने ग्रेहाउंड्स को खेतों पर एक स्पेशल ट्रैक पर ट्रेन करते हैं। ग्रेहाउंडों की रेसें तो अंग्रेजों के जमाने से चलती आ रही हैं, जहां ये शिकारी कुत्ते असली खरगोश का पीछा करते थे। लेकिन इस पर बैन लगने के बाद शिकारी बंधुओं ने इसका भी एक तोड़ निकाल लिया। अब ये कुत्ते एक नकली मशीनी शिकार का पीछा करते हैं, जो असलियत में एक आम सी प्लेट होती है जिस पर खरगोश की चमड़ी लगी होती है। एक आदमी मशीन चालू करता है, शिकार ट्रैक पर रवाना हो जाता है और पीछे पीछे घोड़ों की तरह दौड़ लगाते हैं दो कुत्ते, इतनी तेज कि मानो उनकी रीढ़ की हड्डी रीढ़ के स्प्रिंग में बदल गई है। हाल है जी। हेलो सर, और कैसे? बस आपके कमांडर से मिलने आया हूं। ओके, कमांडर ही। बहुत चर्चे सुने आपके कमांडर के, मैं मिल के आया हूं। 24 महीने का ग्रेहाउंड कमांडर पिछले एक साल से कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है और पंजाब की डॉग रेसिंग का बादशाह बनने की राह पर है। ए कमांडर दा अड्डा अड्डा आए किवें है कमांडर? चेक कुछ नहीं, फड़ लो हाथ कर लो। हां कर लो आगे। हां हां कोई बड़ेगा तो नहीं?
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਗ ਮੈਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਲੇਡੀ ਸ਼ੂਟਰ ਲੇਡੀ ਬਿਗ ਮੈਕ ਐਂਡ ਲੇਡੀ ਸ਼ੂਟਰ ਲੇਡੀ ਸ਼ੂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆ ਕਮਾਂਡਰ ਕਮਾਂਡਰ ਬੜਾ ਹੀ ਹੱਟਾ ਕਿੱਟਾ ਯਾਰ ਜੋ ਰੈਬਿਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸਕਾ ਜੋ ਗ੍ਰੇ ਹਾਉਂਡ ਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਾ ਬਲੱਡ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਉਸਕਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੇ ਬਸ ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ ਤੋ ਇਸਕਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣੇ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਇਸਕੋ ਤੇ ਜੁਗਨੂੰ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਹੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਖਵਾਉਣਾ The food for the racer dogs in Punjab is as magnificent as food for the humans. कमांडर का एक खुद का घर है जिसमें एक खटिया और पंखा लगा हुआ है जरा देखो तो इसको कितने आराम से अपने सरसों के तेल की मालिश का लुत्फ उठा रहे और कितने नवाबी अंदाज में आराम फरमा रहे ਇਹਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਕੋਠੀ ਬੰਬਈ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਇਹਦਾ ਤੇ ਵਿਨਰ ਅਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜੂ ਸਿਆਲ ਚੜਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਨੀਮੂਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਮਾਂਡਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਜੁਗਨੂ ਕੇ ਜਿਗਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਭਾਈਓਂ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕਾ ਉਨਕੇ ਮੁਖੀਆ ਸ਼ੈਂਟੀ ਪਾਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਗ੍ਰੇ ਹਾਉਂਡੋ ਕੀ ਰੇਸ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਆਜ ਮੁਝੇ ਇਸ ਖੇਲ ਪਰ ਦੇਂਗੇ 101 ਗਿਆਨ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇ ਹਾਉਂਡ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖਾਣਾ ਮਿਲਤਾ ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਤਾ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਬਸ 3-4 ਰੇਸੇ ਕਰਨੀ ਹੋਤੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਓਕੇ ਉਦੋਂ ਰੀਅਲ ਰੈਬਿਟ ਤੇ ਅਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਰੇਸਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕ੍ਰੂਅਲਟੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇਹ 92-93 ਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਭਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਓਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜਿਹੜਾ ਡੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆ ਨਕਲੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਈਏ ਉਤਾਰਨਾ ਭਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਹਾਂ ਓਕੇ ਓਕੇ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 'ਚੋਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲਏ ਕੁਛ ਗੁਆਇਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਨ 'ਚ ਰਚਿਆ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਡਿਨਰ ਵਿਦ ਦ ਡੌਨਸ ਕੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਮੇਂ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਆਮ ਹੈਵਿੰਗ ਲੰਚ ਵਿਦ ਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਕਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਖਾਤਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਕਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਖਾਤਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੇਂ ਆ ਕੇ ਖਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਰੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੋ ਆ ਕੇ ਖਾਏ ਉਸਕਾ ਤੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਇਆ ਤੇਰੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਊਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੁਗਨੂੰ ਬੜੇ ਐਪ ਜੁਲਫੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲੀਗਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੋਗਰੇ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੇ ਕੁਛ ਬੈਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 5-5-6-6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਡੋਗ ਹੈ ਹੀ ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ
तो जलंधर सिटी सुबह के 9 बजने वाले हैं। मेरा नाम है डॉक्टर वीसी और लोग अभी उठ रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं कि कौन है। मतलब मैंने खास तौर पे नया चश्मा खरीदा है, नए जूते खरीदे हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्रीट इट लाइक देसी डर्बी, यू नो, लाइक देसी पंजाबी डॉग डर्बी। सो या लेट्स सी मैन, इट्स गोना बी एन एक्साइटिंग डे। वेल आई वांट टू लोड माई सेल्फ विद पराठास। जुल्फी लेके जाएगा ना तू? हम जा रहे हैं पंजाब के एक छोटे से गांव रोनी में। किसने सोचा होगा पंजाब के किसी पिंड में दूर दराज के इलाके में तैयारी की जा रही होगी देसी डॉग डर्बी। कमांडर ने रेस्ट पूरी की है? हाँ, कमांडर दी बिल्कुल रेस्ट भी है, तैन फिट भी है। और कमांडर पीछे बैठा चिल कर रहा है, थोड़ा अपना आराम कर रहा है रेस के पहले। कमांडर विल कमांड रिस्पेक्ट एंड विक्ट्री एंड अ लॉट ऑफ बिचेस। Now I'm fucking excited, bro. 010 channel Hari Ira India TV. 101 India presents dog racing in Punjab. जब ये पर्दा हटेगा आप लोग देखोगे इंडिया का पहला डॉग लाउंज। लुक एट दिस, सो मेनी ग्रेहाउंड्स, 1 2 3 4 5। इन कुत्तों के मुंह पर कब्जे लगे हुए हैं ताकि ये रेस के दौरान एक दूसरे में अपने दांत ना गाड़ दें। ये वाला डॉग लाउंज किसी बड़े शहर के फैंसी डॉग शो से कम है क्या? रेस के पहले ट्रैक्टर के पीछे हल बांधकर ट्रैक को नरम और ढीला किया जा रहा था ताकि भागते हुए कुत्तों को ट्रैक से जरा सी भी खरोच ना आए। मेरे नाल मेरे वीर बैठे ने बीसी, जिन्हां नूं प्यार नाल लोग बीसी दे नाम नाल जानदे आ, पर विशाल चोपड़ा जी। जैसे जैसे रेस का टाइम नजदीक आया आयोजकों ने ड्रॉ करने का फैसला किया, पर ड्रॉ करने का सबसे हाईटेक एडवांस तरीका चिट सिस्टम के अलावा भला क्या हो सकता है। ਜਮਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੁਲਾਇਆ, ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਸਕੂਲ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਖਿੱਚ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਵੇਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੁੰ ਟੁਨਾ ਦਿਲਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਕਰ ਬੜਾ ਮਚਾਇਆ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੱਟ ਬਰੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੱਟ। Shit, they're fast, man. Blues leke aaya jatte, blues leke aaya jatte, blues leke aaya jatte. इतने में कमांडर की बारी आ गई थी रेस में दौड़ने की, इसीलिए रेस के पहले वो आराम कर रहा था। जुगनू और उसका गैंग थोड़े से नर्वस दिख रहे थे, वो कमांडर के साथ अपनी गुरूर और इज्जत दोनों नहीं गंवाना चाहते थे। हंटर ब्रदर ग्रुप का कुत्ता जी, कमांडर चित्रा हर रेस के साथ कमांडर अपनी मजबूत टांगों के बल पर चैंपियन बनने के एक कदम नजदीक पहुंच रहा था।
चीमा साहब आ गए। चीमा साहब स्टोरी बता दो अपनी एक लाइन में। बाद में बताएंगे फ्री टाइम में, अभी तो थोड़ा बिजी चल रहे हैं इधर। अभी कमांडर को पानी पूनी दे रहे हो? हाँ, अभी उसकी केयर कर रहा हूँ। अगला राउंड जीतेगा जीतेगा, कमांडर ही जीतेगा। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता हूँ। जिसके साथ उसका अगला राउंड है ना, जिसके साथ उसकी रेस अगले राउंड में, वो कुत्ती की है, ठीक है। उसका अभी नॉक उसकी रेस हुई है जिसके साथ। क्या नाम है उसका? नाम है यार ब्लैक पावर, ऐसा कुछ नाम है, मेरे को याद नहीं। क्वार्टर फाइनल, सेमी फाइनल एंड फाइनल, थ्री राउंड्स मोर टू गो फॉर कमांडर नंबर वन। एक तरफ ये ओल्ड स्कूल पुरानी तकनीक थी और दूसरी तरफ एक लाइव ब्रॉडकास्टिंग वैन खड़ी थी। मुझे कहा गया ये इसलिए था कि बाहर और दूर देश में रहने वाले पंजाबी इसे अपनी जड़ों तक जुड़ सकें। पर यार, ये कुत्ते तो असलियत में पंजाबी हैं ही नहीं। हर प्रतियोगी खेल की तरह इसमें भी मनमुटाव होते हैं, झगड़े होते हैं। हारने वाली पार्टी इस रेस के नतीजे से खुश नहीं थी और उनका गुस्सा पूरे जोरों से निकल रहा था। ये तो अच्छा है कि लाइव टीवी वालों ने रिप्ले करके मामला सुलझा दिया, पर मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था क्योंकि उन्हें लड़ता झगड़ता देख मेरा काफी एंटरटेनमेंट हो रहा था। लुक एट देम, बेचारा सुबह से लेकर शाम तक गाड़ियों में भर भर के ला रहे कुत्ता और यहाँ आके डेढ़ मिनट में हार गया वो। कमांडर और चैंपियन के खिताब के बीच सिर्फ एक रेस का फासला था। सबकी निगाह कमांडर की मजबूत टांगों पर थी। कमांडर ने पूरी कोशिश की पर उसकी थकी टांगों ने जवाब दे दिया। कमांडर हार गया। सो दिस डॉग कॉल्ड ब्लैकस्टोन, जिसने कमांडर को हराया था, वो जीता ये रेस, तो उसकी वजह से कमांडर अब थर्ड हो गया। चल कमांडर, वेल प्लेड यार। मतलब इस लेवल पे तो क्लोज ही होता है यार, अब पहला दूसरा तीसरा तो क्लोज ही है इस लेवल पे। देसी डॉग डर्बी के बाद एक पोस्ट मैच सेरेमनी तो बनती है। सभी शिकारी विनर्स आ गए थे अपने अपने इनाम इकट्ठे करने, पर अवार्ड सेरेमनी से ज्यादा इंटरेस्टिंग था लाइटिंग का जुगाड़। पंजाब इज द लैंड ऑफ इनोवेशन। लाइट नहीं है नो प्रॉब्लम यार, हम एसयूवी चला देंगे। सेरेमनी होनी चाहिए लाइटिंग के साथ और फोटो के साथ। कमांडर रेस में तीसरे पायदान पर रहा और उसने मालिक को नकद इनाम भी दिलवा दिया। चलो कम से कम जुगनू की एसयूवी के डीजल का खर्चा ही निकल गया होगा। इन कुत्तों ने तो अपनी तीन जगह से टूटे हुए कंधे के बारे में मुझे भुला ही दिया था। मन तो कर रहा था वहीं खेतों में ट्रैक्टर चलाता रहूं, अपनी मन पसंद के पंजाबी गाने सुनता रहूं, पर पब्लिक की डिमांड थी तो आना पड़ा वापस बंबई। टिल द नेक्स्ट वीडियो ऑन 101india.com। ओके वेट यार, मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही करवा देता हूं। बेनती करते हैं सारे जेडे वीडियो नु देख रहे हैं, जे तुम्हें वीडियो पसंद आंदा ता 101india.com ते तुसी जाके जेडी हैगी है ए वीडियो नु वध तो वध देखो। सो वीसी वीर असीं चाहुंदे ने, असीं फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम ते भी हैगे हां 101india.com। Go and subscribe and follow. Okay. एक बार फिर परमात्मा की अरदास करते हैं कि वीसी वीर का जो कारोबार वो बुलंदियों को छूए। एक बार फिर धन्यवाद जी, थोड़ा भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।